नमस्कार, आइए बात करें SQL ज्वाइन क्लॉज के बारे में कि SQL ज्वाइन क्लॉज क्या काम करता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो इससे पहले वीडियोस में जब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था और जब हमने टेबल को नॉर्मलाइज्ड किया था तो हमने सीखा था कि टेबल को दो भागों में डिवाइड करना होता है और टेबल को दो भागों में डिवाइड करने के फ़ायदे भी हमने देखे थे कि इससे कम स्पेस में हम अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। रिपीटेशन, रोज़ में वैल्यू का रिपीटेशन कम हो जाता है और कम समय में हम अधिक जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं यदि हमने एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबलों में डिवाइड कर दिया है तो। और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हमने यह किया था। तो हमने यह सीखा था कि टेबल को डिवाइड करने की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक परचेस टेबल है और एक स्टोर टेबल है और दोनों में ही अलग अलग जानकारी स्टोर की गई है। परचेस लोकेशन को हमने इस टेबल में स्टोर किया है लेकिन इस टेबल में परचेस लोकेशन नहीं है। अब मान लेते हैं कि मुझे जानकारी चाहिए डाटाबेस से कि कौन सा कस्टमर कौन सी लोकेशन से सामान खरीदता है। तो इस प्रश्न का उत्तर या इस प्रश्न के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें दोनों टेबल की आवश्यकता होती है। हम इस टेबल से कस्टमर आईडी का उपयोग करेंगे और इस टेबल से परचेस लोकेशन का यूज़ करेंगे। तो कंप्यूटर जो है या फिर हम भी अगर देखें तो यदि मैं पूछता हूँ कि एक नंबर कस्टमर कहाँ से सामान खरीदता है तो हम कहेंगे एक नंबर कस्टमर एक नंबर स्टोर आईडी से सामान खरीदता है। फिर यहाँ आएंगे कि एक नंबर स्टोर आईडी लॉस एंजलिस है, मतलब कि हमें स्टोर आईडी को कॉमन रखकर हमने हमारा आंसर प्राप्त किया। तो आवश्यकता यहाँ है कि कुछ क्यूरीज का आंसर पाने के लिए हमें मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड निकालने होते हैं और दो या दो से अधिक टेबलों को ज्वाइन करने की आवश्यकता होती है। तो ज्वाइन जो क्लॉज बनाया गया है या ज्वाइन कीवर्ड बनाया गया है वो सिर्फ दो या दो से अधिक टेबलों को आपस में जोड़कर उनसे हमारी आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिला के ज्वाइन जो क्लॉज है वो कुल मिलाकर चार प्रकार के होते हैं। पहला है इनर ज्वाइन, दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा है राइट ज्वाइन और फोर्थ नंबर पर है फुल आउटर ज्वाइन। आइए समझें इनर ज्वाइन क्या होता है। इनर ज्वाइन जो है, चित्र में आप देख सकते हैं टेबल वन और टेबल टू दो टेबलों को बताया गया है और दोनों टेबलों को हमने जिस फील्ड से भी जोड़ा है उस फील्ड में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वही उन्हीं वैल्यूज़ की रो हमें आउटपुट में प्राप्त होती है। कॉमन वैल्यूज़ जिस फील्ड पर आपने दोनों टेबलों को ज्वाइन किया है उसकी कॉमन वैल्यूज़ हमें आउटपुट में मिलती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ दो टेबलें बनाई है मैंने, एक कस्टमर टेबल और एक परचेस लोकेशन, वही टेबल्स हैं। मैं टेबलों को ज्वाइन करता हूँ इस स्टोर आईडी पर, मैंने ज्वाइन कर दिया है, मान लेते हैं मैंने ज्वाइन कर दिया है स्टोर आईडी पर। और इनर ज्वाइन क्या हुआ है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ है वही हमें आउटपुट में मिलने वाली है। मतलब कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी है अगर देखें तो 1 2 3 5 और 1 2 3 5 कॉमन वैल्यूज़ है, इसलिए हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, ये वैल्यूज़ 1 आई 2 3, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन किया है तो इनमें कॉमन वैल्यूज यही थी और यही आउटपुट मिलने वाली है। अब एक नंबर स्टोर की कस्टमर कौन सामान खरीदता है, दो नंबर, तो हम लिखेंगे दो नंबर। एक नंबर सामान खरीद रहा है दो नंबर, तो दो नंबर। दो नंबर स्टोर से तीन नंबर कस्टमर आईडी वाला कस्टमर सामान खरीदता है, तीन नंबर से चार नंबर कस्टमर आईडी वाला सामान खरीद रहा है,
और क्या है, स्टोर आईडी 5 से है। स्टोर आईडी 5 से कस्टमर आईडी 1, इनकी लोकेशन लिख लेते हैं हम, तो इनकी लोकेशन तो ऐसी रहेगी है। तो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ इनर ज्वाइन के माध्यम से। बात करें यदि लेफ्ट ज्वाइन की, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड वाले टेबल के आउटपुट तो सारे ही प्राप्त होंगे, राइट साइड वाले टेबल के वही आउटपुट हमें दिखाई देंगे जो लेफ्ट और राइट या टेबल वन या टेबल टू में कॉमन है। देखें जरा, मेरे पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल और परचेस लोकेशन। अब मैं इन्हें लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ, तो लेफ्ट ज्वाइन की परिभाषा यह है कि लेफ्ट साइड के सभी रिकॉर्ड्स हमें आउटपुट में दिखेंगे, माने कि ये सारी स्टोर आईडी ही हमें आउटपुट में दिखेगी, माने 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो भी आउटपुट में दिखेंगे, तो वो तो हमें ऑलरेडी दिख चुके हैं यहाँ पर। कस्टमर आईडी की बात करें तो कस्टमर आईडी कुछ ऐसी है, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक। इनकी परचेस लोकेशन, स्टोर आईडी 4 की परचेस लोकेशन हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए यहाँ आएगा नल। स्टोर आईडी 5 की परचेस लोकेशन है पुणे। स्टोर आईडी 1 की परचेस लोकेशन है इंदौर। स्टोर आईडी 2 की परचेस लोकेशन है भोपाल। और स्टोर आईडी 3 की परचेस लोकेशन है उज्जैन। कुछ इस प्रकार हमें आउटपुट मिलने वाला है। बात करें अब राइट ज्वाइन की। राइट ज्वाइन का जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि राइट साइड के स्टेट, राइट साइड के टेबल के तो आउटपुट हमें सभी मिलेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड के वही आउटपुट हमें मिलने वाले हैं जो कॉमन है। जो कॉमन नहीं रहेंगे उनमें नल वैल्यू हम लिख देंगे। देखें तो राइट साइड की टेबल कुछ यहाँ वाली, यही टेबल, यहाँ टेबल राइट साइड की है, इसके तो सभी आउटपुट हमें मिलने वाले हैं, मतलब राइट ज्वाइन में 1, 2, 3 और 5। एक नंबर स्टोर से कौन सामान खरीद रहा है, एक नंबर स्टोर से सामान खरीदने वाला व्यक्ति है 2 नंबर, तो यहाँ आएगा 2 नंबर कस्टमर आईडी। 2 नंबर स्टोर आईडी से 3 नंबर जिस कस्टमर की आईडी है वहाँ सामान खरीदता है। 3 नंबर स्टोर से 4 नंबर और 5 नंबर से कौन कस्टमर सामान खरीदता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है 1 नंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 नंबर से 1 नंबर। इनकी लोकेशन लिख देते हैं, 1 नंबर की लोकेशन है इंदौर, 2 नंबर भोपाल, उज्जैन, पुणे। तो कुछ इस प्रकार हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो परिभाषा के अनुसार हमने आउटपुट प्राप्त कर किया है, और देखते हैं इसे चलाकर एक्सेस में क्यूरीज को। तो मैंने ज्वाइन स्टेटमेंट की क्यूरी पहले ही बनाकर रखी हुई है, उसमें हमने परचेस लोकेशन टेबल से परचेस लोकेशन नाम के कॉलम को आउटपुट में दिखाया है, और कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी नाम के कॉलम को आउटपुट में दिखाया है, और फिर हमने इनर ज्वाइन किया है कस्टमर टेबल को परचेस लोकेशन से, और हमने तुलना की है परचेस लोकेशन की स्टोर आईडी की कस्टमर टेबल की स्टोर आईडी से, यानी कि रिलेशनशिप हमने की है स्टोर आईडी पर। देखिए इनर ज्वाइन करने पर इन दोनों टेबलों का आउटपुट क्या रहेगा। आउटपुट कुछ इस तरह से आया है 1, 2, 3, 4 और उनके लोकेशन के नाम। हमने भी यही कह रहा था कि 2, 3, 4, 1, तो हमारा भी आउटपुट यही है 2, 3, 4, 1 और परचेस लोकेशन के नाम, सही आउटपुट है। हमने जो समझा था वही आउटपुट हमें मिला है यहाँ पर। अब जैसे मानते हैं कि राइट ज्वाइन करता हूँ मैं, इसे ज्वाइन करते हैं राइट, तो राइट ज्वाइन में राइट साइड लिखी हुई जो टेबल है उसके सभी आउटपुट मिलने वाले हैं, और लेफ्ट साइड लिखी हुई टेबल के सिर्फ वही आउटपुट आएंगे जो कॉमन है। देखें 2, 3, 4 और 1,
दो तीन चार और एक राइट ज्वाइन में, और इंदौर भोपाल उज्जैन पुणे, इंदौर भोपाल उज्जैन पुणे सही आउटपुट है। राइट साइड के टेबल के सभी रिकॉर्ड दिखे हमें, और लेफ्ट साइड में जो कॉमन थे वो रिकॉर्ड दिखे हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है लेफ्ट साइड जिस टेबल का नाम लिखा है आपने इधर, उसके सभी रिकॉर्ड दिखने वाले हैं, और परचेस लोकेशन से वही रिकॉर्ड दिखने वाले हैं जो दोनों टेबलों में कॉमन है। नहीं होगा परचेस लोकेशन में नाम तो नल लिखा हुआ जाएगा। देखें बिल्कुल एक स्पेस, एक ये कुछ इस तरह से टेबल बनने वाली है। हमने भी एक नंबर कस्टमर, हमें चार नंबर स्टोर का एड्रेस नहीं मालूम था इसलिए हमने यहाँ नल लिखा था, तो इस तरह यहाँ खाली है वैल्यू। ये जो रिकॉर्ड्स हमने समझे थे कि यहाँ आउटपुट आने वाला है लेफ्ट ज्वाइन से, वही हमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमने जो परिभाषाएँ समझी है वो बिल्कुल सही है। तो आशा है यह वीडियो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो थोड़ा सा इसे वीडियो को डबल देखें, दो बार देखें, शांति से देखें, और थोड़ा बहुत वेबसाइट पर जाएं, उसे पढ़े भी हैं, और प्रयास करें समझने का। और फिर भी समझ में ना आता है तो एक बार कमेंट कर मुझे बताइए कि समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा इसे और अच्छी तरीके से अपलोड करूँगा। हमारे जो आउटपुट है कुछ इस तरह से मिल गए हमें, ये थैंक यू।